मर्फी फिल्मी दुनिया के सबसे यूनिक हीरो हैं। यूनिक इसलिए क्योंकि ये यूएस आर्मी में मेजर रहते हुए 44 हॉलीवुड फिल्मों में हीरो रहे। ये अपने समय के सबसे बहादुर आर्मी ऑफिसर माने जाते थे। इनकी वर्दी पर बहादुरी के 33 मेडल थे। इन्हें मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ यूएस आर्मी भी कहा जाता था। बहादुर इतने थे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना की एक टुकड़ी से अकेले एक घंटे तक लड़ते रहे और 50 जर्मन सैनिकों को मार गिराया। 33 मेडल्स से सजी वर्दी में देखकर एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर ने इन्हें फिल्म ऑफर की। सेना में रहते हुए ही इन्होंने एक के बाद 44 फिल्में कर डाली। जीवन के अंतिम कुछ सालों में ये डिप्रेशन में चले गए क्योंकि इन्हें सपने में वो ही युद्ध दिखाई देते थे जो कभी इन्होंने लड़े थे। डिप्रेशन में हालत ये हो गई कि ये एक लोडेड गन तकिए के नीचे रखकर सोने लगे। एक बार तो अपनी पत्नी पर भी पिस्तौल तान दी। फिर इन्हें आर्म्स रेस का शौक लगा जिसमें लगभग सारी जायदाद गवा दी। सबसे ज्यादा मेडल्स से सम्मानित सैनिक से हारे हुए जुआरी तक ऑडी मर्फी की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। ऑडी मर्फी का जन्म 20 जून 1925 को टेक्सास के एक छोटे से ग्रामीण समुदाय किंगस्टन में हुआ था। वो अपने माँ बाप के 12 बच्चों में से 7वें नंबर पर थे। उनके जन्म के कुछ सालों बाद पिता पूरे परिवार को छोड़कर चले गए, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां माँ के कंधों पर आ गईं। कमाई का कोई बड़ा जरिया नहीं था, खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मर्फी ने 5वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया और रुई बेचने का काम करने लगे। इस काम के बदले उन्हें हर दिन $1 मिलता था। इन पैसों से परिवार की आर्थिक मदद हो जाती थी। रुई का काम करने के दौरान मर्फी राइफल चलाने में भी माहिर हो गए थे। कुछ समय बाद उनके सिर से माँ का भी साया उठ गया। फिर हंट काउंटी के अधिकारियों ने उनके 3 सबसे छोटे भाई बहनों को बोल्स चिल्ड्रंस होम अनाथ आश्रम में भेज दिया। माँ के गुजर जाने के बाद घर चलाने के लिए वो एक रेडियो और किराना शॉप पर काम करने लगे। मर्फी सिर्फ परिवार के लिए ये छोटे मोटे काम करते थे, असल में उनका सपना सोल्जर बनने का था। जब 1941 में जर्मनी ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तब मर्फी ने आर्मी और नेवी में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन कम हाइट वेट और उम्र की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उस वक्त उनकी हाइट 5 फीट 5 इंच और वेट 12 पाउंड था। जब ये बात उनकी बहन को पता चली तो उन्होंने दस्तावेज में उनकी उम्र अधिक लिखवा दी, जिसकी बदौलत 16 साल के मर्फी का सिलेक्शन 30 जून 1942 को यूएस आर्मी में हो गया। ट्रेनिंग की शुरुआत में ही काम के लिए उन्हें अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। मर्फी की कंपनी भी पहली बटालियन में भर्ती हुई। 1942 से लेकर 1944 के जनवरी महीने के पहले हफ्ते तक वो कई जंग का हिस्सा रहे। मर्फी में फुर्ती ऐसी थी कि वो मशीन गन और ग्रेनेड से अकेले ही 4 से 5 दुश्मनों का खात्मा कर देते थे। इस जामबाजी की वजह से उनका स्टाफ सार्जेंट के पद पर प्रमोशन हो गया। 21 जनवरी 1944 को मर्फी को मलेरिया की बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस वजह से वो अंजियो के युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए। बीमारी से निजात पाने के बाद मर्फी ने 29 जनवरी को सिस्टरना की पहली लड़ाई में भाग लिया। 13 मार्च को उन्हें फिर से मलेरिया की वजह से भर्ती होना पड़ा। बीमारी के दौरान वो अपने साथियों से पल पल की खबर लेते रहते थे। हालांकि कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गए और देश की सेवा में लग गए। रामतुएल साउथ फ्रांस का एक रीजन के पास येलो बीच पर उतरने के बाद मर्फी और उनके साथी वाइनयार्ड से एक रास्ता बना रहे थे, तभी जर्मन सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। जवाबी सैनिक कार्रवाई में मर्फी की टीम ने एक मशीन गन निकाली और 2 जापानी सैनिकों को मार गिराया, एक घायल भी हुआ। इसी बीच 2 जर्मन सैनिक एक घर से बाहर निकले और आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई दिए। इस पर जब मर्फी के साथी जवाब देते हुए आगे बढ़े तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद मर्फी ने अकेले ही पूरा मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने 6 जर्मन सैनिकों को मार डाला, 2 घायल किए और 11 को कैद कर लिया। 26 अक्टूबर 1945 को एक बार जर्मन सैनिकों ने मर्फी की बटालियन पर हमला किया। इस सैनिक कार्रवाई में स्नाइपर ने उनके कूल्हे पर गोलियां दाग दी। इसके बावजूद उन्होंने स्नाइपर को पकड़ा और उसकी आंखों के बीच में गोली मार दी।
बाद में मर्फी अस्पताल में भर्ती हुए और जनवरी तक किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। एक बार जर्मन सैनिकों ने मर्फी की बटालियन के एक M10 टैंक पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने साथियों को पीछे हटने को कहा और पूरा मोर्चा अकेले संभाला। वो मशीन गन से आगे बढ़ते हुए जर्मन सैनिकों पर फायरिंग करते रहे, जिसमें 50 जर्मन सैनिक मारे गए। इस दौरान उनके पैर में चोट लग गई, लेकिन जब तक गोला बारूद रहा तब तक वो डटे रहे। ये पूरी कार्रवाई करीब 1 घंटे तक चली और मर्फी ने अकेले ही ये युद्ध लड़ा। इस वीरता के लिए उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसी के बाद उन्हें मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर का टैग मिला था। 16 जुलाई 1954 को लाइफ मैगजीन में उन्हें मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर का टैग दिया गया था। जब इस पर एक्टर और प्रोड्यूसर जेम्स कैगने की नजर पड़ी तो उन्होंने मर्फी को फिल्मों में कास्ट करने का मन बना लिया। कैगने और उनके भाई ने उन्हें अप्रोच किया और अपनी प्रोडक्शन कंपनी में शामिल किया। इसके बाद मर्फी को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग दी गई। हालांकि दोनों ने अपनी किसी भी फिल्म में उन्हें कास्ट नहीं किया और मर्फी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर दिया। मर्फी के साथ काम नहीं करने की कैगने ने ये वजह बताई थी कि मर्फी की हरकतें सामान्य नहीं थीं। वो ट्रॉमा से गुजर रहे थे, जिस वजह से ये डर हमेशा बना रहता था कि कहीं वो खिड़की से कूदकर अपनी जान न दे दें। ट्रॉमा की वजह से पिस्तौल रखकर सोते थे। दरअसल सेना में काम करने की वजह से मर्फी इंसोमनिया, नींद नहीं आने की बीमारी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD का शिकार हो गए। हालात इतने खराब हो गए थे कि वो तकिए के नीचे पिस्तौल रखकर सोते थे। सोते वक्त युद्ध के बुरे सपने आते थे, जिस वजह से उन्हें उल्टी और सिरदर्द की शिकायत बनी रहती थी। नींद की गोलियां उन्होंने लेनी शुरू कर दी थी। शराब की लत भी बहुत बढ़ गई थी, जिसे छोड़ने के लिए मर्फी ने खुद को 1 हफ्ते के लिए होटल के कमरे में बंद कर लिया था। इसके बाद मर्फी ने राइटर डेविड का क्लब ज्वाइन कर लिया और कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। 1948 में रिलीज हुई टेक्सास, ब्रुकलिन और हेवन उनकी डेब्यू फिल्म थी। $25,000 फीस मिलने के बाद मर्फी 1951 में रिलीज हुई फिल्म द रेड बैज ऑफ करेज में नजर आए। इस फिल्म से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद उन्होंने फिल्म टू हेल एंड बैक में काम किया था। फिल्म की कहानी मर्फी के रियल लाइफ पर बेस्ड थी। मर्फी 1969 तक आर्मी और फिल्मों दोनों में सक्रिय रहे। फिल्मों में काम करने के दौरान ही मर्फी ने एक्ट्रेस डिक्सी वांडा हेंड्रिक्स से 1949 में शादी कर ली, लेकिन 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। ट्रॉमा की वजह से उनका बिहेवियर कभी कभार दूसरों के लिए खतरा पैदा कर देता था। उनकी पहली पत्नी डिक्सी वांडा हेंड्रिक्स ने दावा किया था एक बार मर्फी ने उन पर बंदूक तान दी थी। उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि जो बच्चे जर्मनी के साथ युद्ध में अनाथ हो गए थे, न्यूजरील में उनकी हालत देखकर मर्फी बहुत रोते थे। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह आए थे दोनों में झगड़े होते थे, जिस वजह से उनका तलाक हो गया। तलाक के 4 दिन के बाद ही मर्फी ने फॉर्मर एयरलाइन एयर होस्टेस पामेला ओपल्ली आर्चर से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 2 बेटे टेरी माइकल और जेम्स शैनन हुए। मर्फी को आर्स रेस बहुत पसंद थी। वो आर्स रेस पर पैसों की बाजी लगाते थे। जुए की आदत से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। इतना ही नहीं, 1968 में उन्होंने एक बार एक अल्जीरियाई तेल सौदा किया था, जिसमें उन्हें $260,000 का नुकसान हुआ, जिसकी कीमत आज के समय में 2,14,00,000 रुपए है। खराब स्थिति होने के बावजूद उन्होंने शराब और सिगरेट के विज्ञापन में काम करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि युवाओं पर इसका गलत असर पड़ेगा। 1970 मई में मर्फी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल मर्फी का एक डॉग ट्रेनर के साथ विवाद हो गया था। विवाद की वजह से उस ट्रेनर ने उन पर ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया था। ट्रेनर का कहना था कि मर्फी ने उसको गोली मारने की कोशिश की थी। बाद में इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि बाद में मर्फी पर लगे सभी इल्जाम झूठे साबित हुए और उन्हें बरी कर दिया गया। 28 मई 1971 को एक प्लेन क्रैश में मर्फी की मौत हो गई। इस घटना में प्लेन के पायलट और 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद पामेला मर्फी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी और लॉस एंजल्स के एक हॉस्पिटल में क्लर्क की पोस्ट पर काम करने लगी।
जहां उन्होंने 35 सालों तक काम किया। दरअसल मर्फी अपने पीछे परिवार के लिए अधिक संपत्ति छोड़कर नहीं गए थे, उन्होंने सब जुए में उड़ा दिया था। इस वजह से पामेला को ये सब सहना पड़ा।